माता पिता की सेवा, ज्ञान, गौ और गंगा, इन सब चीजों को अपने हृदय में मनुष्य अगर समाहित करके चलेगा तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और आगे परमात्मा का दिया हुआ आहार, परमात्मा का बनाया हुआ नियम आप पालन करें, भगवान का दिया हुआ आहार ग्रहण करें, तो आपके जीवन में कभी भी जो है दुश्वारियां नहीं आएंगी, दुख संकट नहीं आएगा। लेकिन मनुष्य यहाँ आने के बाद सब कुछ भूल जाता है, परमपिता परमेश्वर की वाणी को हृदय से निकाल लेता है, अपने मनमानी बोलने लगता है, मनमाना भोजन करता है, मनमाना रहना चाहता है, और वही मनमाना से रहने का कारण होता है दुखों का आगमन शुरू होता है। तो सारी चीजों पर ध्यान दीजिए माता बहन, भगवान आपकी भला जरूर करेगी। यह मनुष्यतन बड़े भाग्य से लोगों को मिलता है और भाग्यशाली लोग मनुष्यतन को प्राप्त करते हैं, तो इस मनुष्यतन को वृथा में मत गवाइए, बेकार मत जाने दीजिए। मनुष्यतन को पूरा सफल सार्थक करने के लिए नेक कार्य करिए, नेक वाणी बोलिए, नेक रास्ता पकड़ करके चलिए और देखिए आपका जीवन कितना सुखमय मिलता है। तो जरा एक बार सभी लोग जयकारा लगाइए, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, मैया भवानी की जय, दया करे शिव गुरु महाराज की।